इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आजम खां की धर्म पत्नी तंजीम फातिमा ने जो है वो रामपुर से उपचुनाव जीता है। जीतने के बाद जो है वो रामपुर की जनता जो है जो आजम खां से मोहब्बत करते हैं उनमें उत्साह है, लेकिन कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व ऐसे भी हैं जो कि इस जीत से खुश नहीं हैं। दो चार दिन से रामपुर में एक मैसेज वायरल हो रहा है, जो मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है कि आजम खां की जो है वो गिरफ्तारी हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेकर जो है वो आजम खां की गिरफ्तारी हो गई है, इस तरह का एक मैसेज जो है वो रामपुर में जो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। जबकि आजम खां की गिरफ्तारी की खबर जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ये खबर जो है वो बिल्कुल फेक है। आजम खां की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये किसी शरारती तत्व का काम है जो कि आजम खां को बदनाम कर रहा है और इस तरह की फेक न्यूज़ फैला रहा है। इसी के चलते नौमान खान ने जो है FIR रजिस्टर्ड कराई थी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। ये FIR दर्ज हुई थी कि जो आजम खां के खिलाफ जो है ये फेक न्यूज़ जो है वो फैला रहा है। FIR रजिस्टर्ड हुई थी सेक्शन 505 इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 66 इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, और इसमें एक शख्स का नाम आ रहा है फैजान खान नाम के, ये शख्स है जिसका नाम जो है, जिस पे जो है वो शक जताया जा रहा है कि ये शख्स जो है वो आजम खां के खिलाफ फेक न्यूज़ रामपुर में जो है फैला रहा है। FIR पे कार्रवाई होने की जल्द उम्मीद है और जल्द ही ये शख्स जो है वो सलाखों के पीछे हो सकता है। जी हाँ, ये फेक न्यूज़ फैलाने वाला शख्स जो है ये जल्द गिरफ्तार हो सकता है और जल्द ही जो है वो इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस जो है वो इनिशियली जांच में जुट गई है। फिर किसी और न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। जय हिंद।